कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति से संभावित बाधा आने को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति का आकलन करते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी की बिजली आपूर्ति और कोयले की उपलब्धता पर विचार किया जाए और उसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें ये कहा गया है दिल्ली के अंतर्गत आने वाले दो पावर स्टेशनों में एक दो दिन का ही कोयला बचा है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। NTPC दादरी और उचाहार पावर स्टेशन में एक दो दिन का ही कोयला बचा है। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली में पहली बार पीक पावर डिमांड अप्रैल महीने में 6000 मेगावाट पहुंची है, यह रिकॉर्ड है। सूत्रों की माने तो दादरी द्वितीय और उचाहार बिजली स्टेशन से बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण दिल्ली मेट्रो और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों सहित कई आवश्यक संस्थानों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो उनका कहना है कि दिल्ली में बिजली की 25-30% मांग इन बिजली स्टेशनों के माध्यम से पूरी की जा रही है और वे कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और हर संभव प्रयास कर रही है कि कुछ इलाकों में बिजली की कमी का सामना करना पड़े, बाकी को बचाया जा सके। नेशनल पावर पोर्टल की दैनिक कोयला रिपोर्ट के अनुसार इन सभी बिजली संयंत्रों को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भीषण गर्मी के साथ देश के कई हिस्सों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है, क्योंकि राज्य बिजली की रिकॉर्ड मांग को पूरी करने में असमर्थ हो रहा है।